विलायत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पीएम मोदी का अहम बयान, हिंदुस्तान में कोई मजहबी, नस्ली और सिन्फी इम्तियाज नहीं। रॉयटर के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान के आईन और उनकी हुकूमत ने साबित किया है कि जम्हूरियत डिलीवर कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत में ज़ात, मजहब और सिन्फ से मुताल्लिक किसी इम्तियाज की कोई गुंजाइश नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप अपने मुल्क में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के हुकूक बेहतर करने और आज़ादी बयान के लिए क्या कर रहे हैं, तो पीएम मोदी ने कहा कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। यह ऐसी हालत में है कि वाइट हाउस के सामने बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान को मुस्तरद कर दिया। मुजाहरीन का कहना था कि पीएम मोदी का ये कहना गलत है कि उनकी हुकूमत में कोई मजहबी इम्तियाज़ नहीं पाया जाता। काबिले ज़िक्र है कि हिंदुस्तान की तकरीबन सभी अपोजिशन पार्टियाँ पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत को मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने और समाज के तकसीम होने का ज़िम्मेदार करार देती हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना दौरे अमेरिका मुकम्मल करके मिस्र रवाना हो गए थे और मिस्र के दौरे के बाद वापस वो हिंदुस्तान आ चुके हैं।